अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तीसरी जमात के बच्चों, आज हम लोग थर्ड बीट और फोर्थ बीट समझेंगे। इन दोनों बीट्स को आपको क्या करना है, नोटबुक में, रफ नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद बगैर देखे अपनी फिर नोटबुक में उर्दू की लिखिए, ठीक है। थर्ड बीट देखिए, इन अल्फाज के जुमले बनाइए। अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आपको जुमला बनाना है। यहाँ पर लफ्ज़ है नाम, तो आपको जुमला बनाना है मेरा नाम डैश है। मैं ये डैश क्यों लिखी, आप हर एक स्टूडेंट का अलग अलग नाम हो सकता ना, तो सबका एक ही नाम नहीं लिख सकते, इस वजह से आप अपने नाम को यहाँ पर उर्दू में लिखिए। दूसरा है दुनिया, तो आपको लिखना है दुनिया गोल है। इल्म ज़रूरी है। दुआ मोमिन का हथियार है। बारिश मुफीद है। फोर्थ बीट देखिए बच्चों, दो हरफी और तीन हरफी अल्फाज पांच पांच लिखिए। हम ब्रिज कोर्स में दो हरफी अल्फाज और तीन हरफी अल्फाज की बहुत मश्क कर चुके हैं बच्चों, तो आपको ये लिखने में थोड़ी भी दुश्वारी नहीं होगी। बस आपको थोड़ा सा याद करना होगा। अली बा अब, रवा बा रब, दाल लाम दिल, दाल मीम, यहाँ पे दाल पे पेश पड़ेंगे दुम, दाल नून दिन, ठीक है। तो ये क्या हो गए, पांच अल्फाज हो गए, दो हरफी और तीन हरफी अल्फाज भी पांच लिखना है आपको। काफ रा मीम करम, तीन हरफी अल्फाज है ये। शीन व खाफ शौक, नून या काफ नेक, नून अलीफ मीम नाम, बाड़ा अलीफ बड़ा। तो दो हरफी अल्फाज और तीन हरफी अल्फाज पांच पांच लिखना है आपको। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।